जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नाहन में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 1 सितंबर यानी आज से शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा 15 सितंबर तक चलेगा। बता दें कि स्वच्छता पखवाड़े के पहले दिन जेबीटी प्रशिक्षुओं ने संस्थान के परिसर में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। नाहन के प्रिंसिपल राजीव ठाकुर ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत 15 दिनों तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थान के जेबीटी प्रशिक्षु जहां सफाई अभियान चलाएंगे, वहीं लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान 15 दिनों तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े के दौरान संस्थान द्वारा जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए स्वच्छता पर नारा लेखन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि सभी प्रशिक्षु अपनी कला के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर सके। ये हमारा 15 दिन के लिए हमने जो हमारे डीएलएड के जो ट्रेनीज हैं उनके लिए एक योजना बनाई है 15 दिन की, जिसमें कि स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से हम इसको काम को कर रहे हैं। आज से शुरू हुआ है। इसमें हमने हर तरह की एक्टिविटीज जो है वो प्लान की हुई हैं। जहाँ पर हम स्वच्छता की बात करेंगे वहाँ पर हम जागरूकता की बात भी करेंगे, और वहाँ पर जहाँ पर स्वच्छता जागरूकता की बात करेंगे कि हमने पूरे अपने डाइट कैंपस को, डाइट हॉस्टल की साफ़ सफाई, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और जागरूकता को लेकर हम जो है समय समय पर इसमें 2 बार जो है वो रैलीज भी निकालेंगे पूरे शहर के अंदर, ताकि सभी लोगों को जो है वो हम स्वच्छता के लिए जो है प्रेरित कर सकें। क्योंकि अगर हम स्वच्छ हैं तो हम स्वस्थ हैं, ये बात जो है वो सभी जगह मानी रहती है। और उसके साथ ही डेली जो हमारे ट्रेनीज हैं उनके लिए हम बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी कराएंगे, जैसे पोस्टर मेकिंग का है, ड्राइंग पेंटिंग का है, डिबेट का है, क्विज का है। तो ये सारी गतिविधियां भी समय समय पर उनके साथ जो है रोज़ 15 दिन तक जो है वो चलती रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है, जिससे कि हम समाज को भी जागरूक कर पाएँ। और पर्टिकुलरली जो हमारे ट्रेनीज हैं जो कि कल आने वाले समाज में जो है वो एक अध्यापक का काम करेंगे, तो उनको इस बारे में ट्रेनिंग देना जो है वो बड़ा ज़रूरी काम है। तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट भी कह सकते हैं, और साथ साथ हमारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन भी हो जाएगा। बता दें कि स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जहां पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जेबीटी प्रशिक्षुओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पर्यावरण को साफ बनाने के लिए प्रशिक्षु आने वाले दिनों में जिला वासियों को जागरूक भी करेंगे, ताकि पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।